अब आते हैं आज क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहा गया एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, एक वृत्त बनाना है जिसका व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर है, कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, और जो जीवा की लंबाई दे रखा है वो 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए जैसे यहाँ पर ये आपका एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र मान लीजिए ओ है, और इसकी जो व्यास कहा गया, व्यास ये आपका व्यास 40 सेंटीमीटर है, और कहा गया है जीवा है, जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, ये मान लेते जीवा है, इसकी लंबाई जो है आपकी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके संगत जो आपका चाप बना है, ये चाप, इस चाप की मान जो निकालना है वो आपको याद करना है। तो देखिए यहाँ पर ए बी हो गया व्यास, अगर देखिए यहाँ से ओ केंद्र से एक मिला देंगे ओ ए और ओ बी, तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज बन गया है ए ओ बी, ए ओ बी आपका त्रिभुज बन गया है। तो देखिए यहाँ पर जब व्यास पूरा है, व्यास पूरा दिया गया है 40 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएंगी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर, व्यास आपका ये भी 20, जीवा सॉरी जीवा जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो हम देख रहे हैं त्रिभुज ओ ए बी की जो भुजाएं हैं वो बराबर हो गई, यानी कह सकते हैं कि त्रिभुज बना है ए ओ बी आपका संभव त्रिभुज है, क्योंकि संभव त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और संभव जो त्रिभुज होता है का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, इसलिए यह आपको हो गया 60 डिग्री हो गया, कोण हो गया है। अब चाप की लंबाई ज्ञात करना है, देखिए यहाँ पर 2R बराबर 40, यानी व्यास दे रखा था ये 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर, और आर और जो भी जो ए बी है वो आपका 20 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि त्रिज्या यहाँ पर ओ ए भी है और ओ बी भी है, यानी कह सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी यानी कि 20 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी कैसा है, संभव है, त्रिभुज ए ओ बी कैसा है, संभव है, इसलिए कोण आपका ए ओ बी बराबर 60 डिग्री, क्योंकि संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री होता है। अब लेके इसका अनुमान जो है रेडियन ज्ञात करना है, तो इसलिए रेडियन ज्ञात करने के लिए पाई कोण 180 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 6 = 18, तो कितना आ गया बच्चों, आ गया ये π/3 वो भी रेडियन, रेडियन में आ गया है, और हम जानते हैं कोण बराबर 4/3 थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, एल क्या है इसका चाप है, आर क्या है त्रिज्या यहाँ पे है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा थीटा इंटू आर, तो एल कमा निकालना है, थीटा हो गया π/3 और त्रिज्या आपकी निकल आई 20, यानी कितना आ गया देखिए 20π/3 चाप की लंबाई सेंटीमीटर, ये आपका जो आंसर हो गया है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर सिक्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहा गया है कि यदि दो वृत्त के समान लंबाई वाले चाप, यानी चाप जो हैं वो समान लंबाई के हैं, अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोण कितना दिया है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब 60 को रेडियन चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन हो गया। इसी तरीके से दूसरा कोण दिया है, 75 डिग्री दे रखा है, तो थीटा इक्वल टू 75 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, यानी कोण जो दिए गए हैं कोण के मापों को हमने रेडियन में चेंज कर लिया है। अब यहाँ पर यह कहा गया है चाप की लंबाई बराबर है, तो यानी कि L1 बराबर L2 ये गिवेन आपका है, तो आपका कोण बनेगा, सूत्र बनेगा थीटा1 R1 बराबर थीटा2 और R2। आया कहाँ से, हम जानते हैं थीटा इक्वल टू क्या होता है, L1 R होता है, पढ़ चुके हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे L बराबर थीटा1 L बराबर थीटा R1, ये निकल के आया। और चूंकि यहाँ पर दो वृत्त हैं तो इसलिए एक चाप की लंबाई L1 हो गई, दूसरी की L2 हो गई। थीटा कोण दो बनना है, एक थीटा1 दूसरे का थीटा2, और जो दो वृत्तों की त्रिज्या R1 और R2, तो आ गया आपका थीटा1 R1 बराबर थीटा2 और R2। अब थीटा1 की वैल्यू दे रखा है 60 × π/180 × R1, और थीटा2 75 × π/180 × R2। अब देखिए यहाँ पर π/180 हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा आपका 60 R1 = 75 R2। अब निकालेंगे R1 / R2, तो यहाँ पर निकलेगा आगे देखिए R1 / R2। R2 इधर क्या ट्रांसफर कर लिया है, तो 60 इसकी कहाँ जाएगा, 75 के नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा 75/60। 15 × 15 = 75, 15 × 4 = 60, यानी 5/4। तो रेशियो क्या निकला, R1 ratio R2 5:4। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, कहा गया है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलनमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है, जो दोलक है उसकी जो लंबाई है वो 75 सेंटीमीटर है, यानी देखिए ये आपका यहाँ फिक्स है, ये दोलक है, इसके अबाउट आपका रोटेट करेगा, इसकी जो लंबाई है वो 75 सेंटीमीटर है। अब कहा गया है एक सिरे से दूसरे सिरे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसे घूमता है, जो कोण बनता है, तो कोण का मानेगा कि देखिए ये कोण बनेगा ऐसे, ये थीटा बनेगा, ये कोण बना जाएगा, तो जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है। अब चाप की लंबाई अलग दिया गया है, चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दूसरा 15 सेंटीमीटर है और तीसरा 21 सेंटीमीटर है। इसमें तीन क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आर आपका यही रहेगा, 75 सेंटीमीटर रहेगा, केवल आपके चाप बदल रहे हैं। तो पहला पार्ट इसका देखिए, एल बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो कोण बराबर L/R, तो थीटा इक्वल टू एल की लंबाई 10 सेंटीमीटर, आर की 75 है, तो कर जाएगा 5 × 10, 5 × 5 = 25, यानी कि 2/15 रेडियन, ये आपका आंसर हो गया है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है, आर आपका 75 सेंटीमीटर ही रहेगा,
अब क्या चेंज हो गया है, एल 10 सेंटीमीटर, एल बराबर 10 सेंटीमीटर, तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, एल की वैल्यू 10 है, सॉरी एल की वैल्यू यहाँ पे 75 और आर आपका रहेगा 75, एल की वैल्यू 15 है, 15 आ गया, आर की वैल्यू 75, तो आ जाएगा 15 × 15, 15 × 75, यानी कि 1/5 रेडियन। ठीक है, ये आप लोग हल कर लेंगे। आज एक्सरसाइज आपकी 3.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका 3.2। ओके, थैंक यू।